नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य गुप्ता। स्वागत है आपका हिंदुस्तान समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म एचएस न्यूज पर। एचएस प्राइम में पेश है दिन भर की बड़ी खबरें। देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा कुल टेस्ट करने वाला देश बन गया है। कल एक दिन में सबसे ज्यादा 68,584 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के लिए 11,72,000 टेस्ट हुए हैं। बीजेपी से सांसद रीता बहुगुणा जोशी कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। सांसद ने गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ के चलते अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ के SGPGI में भर्ती कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो ये प्रभावी नहीं होगा। कांग्रेस ने हाल ही में फेसबुक पर बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखा था। वहीं अब इस पर फेसबुक ने जवाब दिया है। फेसबुक ने कहा है कि हम गैर पक्षपाती हैं और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर ऐसी जगह बनी रहे जहां लोग खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करें। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा को फेसबुक ने बैन कर दिया है। फेसबुक ने उनके कथित तौर पर घृणा फैलाने वाले भाषण को लेकर कार्रवाई करते हुए उनका अकाउंट प्रतिबंधित कर दिया है। बता दें कि टी राजा सिंह के पोस्ट मुसलमानों और रोहिंग्या शरणार्थियों से संबंधित थे। उनके कम से कम 5 प्रोफाइल हैं जिन पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लोन मॉरेटोरियम यानी लोन चुकाने की अवधि टालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अगस्त तक कोई बैंक लोन अकाउंट NPA घोषित नहीं है तो उसे अगले 2 महीने तक भी NPA घोषित ना किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार लोन ना चुकाने पर किसी पर जबरन कार्रवाई ना करे। इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते 10 सितंबर को जारी रहेगी। शुरुआती बढ़त गंवाकर घरेलू बाजार सपाट स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स गिरावट के साथ 95.09 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 11,535.75 के स्तर पर बंद हुआ। सीमा विवाद को लेकर लगातार चौथे दिन भारत और चीन की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख के चुशुल क्षेत्र में ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुए ताजा टकराव के बाद बढ़े तनाव को कम करने की कोशिश में लगातार बैठक हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी महीनों में उनका इलाज करने वाले 2 मानसिक रोग विशेषज्ञों ने मुंबई पुलिस की पूछताछ में बताया कि सुशांत गहरे डिप्रेशन और एंजाइटी और एक्सीडेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर भी था। ये सब कुछ मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। इन दोनों डॉक्टर्स ने बताया कि सुशांत ने अपनी दवाइयां लेनी भी बंद कर दी थी, जिससे उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी और उनका इलाज करना बहुत मुश्किल हो गया था। दक्षिण कोरिया के दक्षिणी और पूर्वी तटीय इलाकों से आज एक शक्तिशाली तूफान के टकराने से तेज हवाएं चली और भारी बारिश हुई। इसके चलते जहां लाखों घरों में बिजली गुल हो गई तो वहीं एक व्यक्ति की मौत के साथ दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। समुद्र में एक जहाज भी लापता हो गया है। बता दें कि 750 से अधिक घरेलू उड़ानें रद्द करने के साथ दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में रेल सेवा भी रोक दी गई है। बने रहिए HS न्यूज के साथ। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।
देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।